फौजिया 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 क्या हो गया बेटा, आगे खोलो फौजिया। मेरा सर चक्का है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ मैं तुझे खुदा का अलग कह रही, तूने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया। अरे क्या खड़े खड़े तमाशे देख रहे हो, जाके एम्बुलेंस लेकर आओ, देख रहे हैं बच्चे की क्या हालत हो गई है। अरे इसको लेकर यहाँ पे चलो, तूने मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया। फौजिया फौजिया बेटा आगे खोलो, फौजिया फौजिया देखो बेटा फौजिया। क्या हो रहा है फौजिया, उठो बेटा अभी फौजिया। मुझे उल्टी, मुझे उल्टी आ रही है। क्या हो गया मेरी बेटी फौजिया, क्या हो गया बेटा फौजिया, फौजिया आके बोलो फौजिया। तुम जाओ डॉक्टर को बुला के लेकर आओ फौजिया, फौजिया बेटा आंखें खोलो फौजिया। डॉक्टर को बुला के लेकर आओ डॉक्टर साहब, मेरी बेटी, मेरी बेटी को देखिए। क्या नहीं, ये नहीं मर सकती। क्या ये बेटी आपकी है? तुम क्या कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये मर चुकी है। देखें मेरा नाम नौमानी है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मुझे तफसील से बताएंगे ये सब क्या हुआ है? मैं हामिद को नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी हामिद को। मैं इसे इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। स्टार्ट प्रोसीडिंग नाउ। योर ऑनर, मैं इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से पेश होने की इजाजत चाहती हूँ। यस, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। Your Honor, जन्नत बीबी की मुदईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा है उसकी मकतूल बेटी फौजिया का, जो फिजिकल वायलेंस का निशाना बनी है। Your Honor, फौजिया पर तशद्दुद करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि कटहरे में खड़ा ये सफाक इंसान हामिद है, जो मकतूला का खामन था। Your Honor, मकतूला की शादी इस इंसान से सिर्फ 8 महीने कबल हुई थी। Your Honor, एस प्रोसिक्यूटर मैं इस बात को एस्टेब्लिश करना चाहूंगी कि कटहरे में खड़ा ये इंसान, इस पर जिस बात का इल्जाम है वो कोई वन टाइम इंसिडेंट नहीं है। सर तशद्दुद करना इस इंसान की फितरत है। सर पिछले कई सालों से ये 2 बार अपना घर उजाड़ चुका है। योर ऑनर, फौजिया से पहले इसने 2 मरतबा और भी शादी की थी। पहली बीवी 2 साल मुसलसल इसके तशद्दुद का निशाना रही और आखिरकार अचानक वफात पा गई। योर ऑनर, उस औरत की मौत भी एक मुहिमा है। अगर साजिदा की डेथ को भी इन्वेस्टिगेट करें तो शायद इसी किस्म के केस से कोई मिलती जुलती कहानी सामने नजर आए। सर इसने दूसरी शादी हुमैरा से की। हुमैरा 8 महीने में इस शख्स की फितरत को पहचान गई और वो अपने साथ मजीद तशद्दुद नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। 8 महीने की शादी के बाद हुमैरा ने खुला ले ली। योर ऑनर, इस शख्स का 2 मरतबा घर उजड़ा इसकी अपनी हरकतों की वजह से। लेकिन सर क्या हुआ, ना तो इसकी आदतें बदली और ना ही इसकी फितरत। 3री मरतबा इसने फिर शादी की अपने मोहल्ले की एक लड़की फौजिया के साथ। और सर फौजिया के साथ इसने क्या किया, वही मारपीट जिसका मोहल्ले वाले गवाह हैं। अच्छा, हर वक्त फोन पर लगी रहती है, किसे बात कर रही थी? वो मैं अम्मा से बात कर। अबे ये बराबर में तेरी अम्मा का घर है, उससे बात करने के लिए तुझे फोन करना पड़ेगा। और बात सुन, मैंने तो ये चाय बनाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? चाय चूल्हे पर रखी है। चाय चूल्हे पर चढ़ाकर फोन पर बात करने के लिए शुरू हो गई?
शर्म नहीं आती? शोहर घर में मौजूद है, एक कप चाय बनाकर नहीं पिला सकती? तेरी शक्ल देखने के लिए तुझे इस घर में लेकर आया था क्या? बोल, मसला क्या है आपका? क्यों हर वक्त मेरी जान के पीछे पड़े रहते हैं? जब पसंद नहीं थी मैं तो शादी की क्यों मुझसे? ज़बान चलाती है मुझसे? हाँ, तेरी जुर्रत के सुई मुझसे ऊंची आवाज में बात कर लेगी? चलाएगी ज़बान? हामिद भाई, क्यों मार रहे हैं आप फौजिया को? इसका क्या कसूर है? अबे तेरी जुर्रत के सुई बगैर इजाजत मेरे घर में दाखिल हो लेगी, और खबरदार जो मियां बीवी के झगड़े के बीच में बोला चीर के रख दूंगा, और अगर हाथ पैर तोड़वाने का शौक है तो आजा बाहर, बताता हूँ तुझे फिर। इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली एक तंजीम की तहकीक के मुताबिक सन 2013 के इब्तदाई 4 माह में औरतों पर तशद्दुद के 444 वाकयात रिपोर्ट हुए। इनमें कत्ल के 16, अगवा के 93, तेजाब फेंकने के 2, तशद्दुद के 7, ज्यादती के 3, कारोकारी का 1, आग से जलाने के 2, घरेलू तशद्दुद के 112, औरतों के लापता होने के 34 और हिरासत करने के 23 वाकयात रिपोर्ट हुए। मार्च को भी घर में कुछ ऐसा ही माहौल था। किसी मामूली सी बात पर तल्ख कलामी हुई और हामिद गुस्से और इश्तियाल में आ गया और फौजिया को मारना पीटना शुरू हो गया। सर, फौजिया की चीखे और रोने की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। आज तू बचेगी नहीं मेरे हाथ से। अरे लगता है इसने फिर से फौजिया को मारना शुरू कर दिया। लगता है ये मेरी बेटी की जान लेकर रहेगा। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, नहीं, तुम्हारा बहनों ही है, झगड़ा नहीं। अम्मी, मेरी बहन पालतू की नहीं है, छोड़ दे। मस नहीं बेटा, रुक जाओ। नहीं छोड़ दे बेटा, बात सुनो बेटा, रुक जाओ, मैं भी चलती हूँ। जिसको सुनकर फौजिया का भाई ताज मोहम्मद घर से निकला अपनी बहन को बचाने के लिए और हामिद और फौजिया के घर में आया। लेकिन सर, हामिद ने क्या किया? ताज मोहम्मद के सामने भी ताज की बहन फौजिया को ये मारता पीटता रहा। बहुत हो गया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बर्दाश्त की हद होती है। हामिद मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद कभी कुछ नहीं करूंगी। माफ कर दूं? है माफ कर दूं तेरे को? मैं आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, बेवकूफ बनाती है मुझे। हामिद प्लीज मुझे माफ कर दे। अभी तूने फिर मेरी बहन को मारा। तू मेरे घर में क्यों बगैर इजाजत घुसा फिर? अबे ये मेरी बहन है। अबे पहले तो इसको घर में रख ला। और जब ताज ने ये लड़ाई बंद करवाने की कोशिश की तो इसने ताज को भी मारना पीटना शुरू कर दिया। और सर, इस लड़ाई मार पीट में फौजिया भी बीच में आ गई और इसको बिल्कुल एहसास नहीं था कि एक औरत दो मर्दों के दरमियान पिस रही है। सर, इसने फौजिया को इतने जोर का धक्का दिया कि उसका सर जाके दीवार पे टकराया और उसको हेड इंजरी हुई जो कि फेटल साबित हुई। इसको एहसास तक नहीं था कि इसकी बीवी किस हालत में जमीन पर गिरकर तड़प रही है, बेहोश हो रही है। सर, इस पर गुस्सा नहीं आता, ये तो जुनून की कैफियत में चला जाता है। इसने अपने साले को मारते पीटते हुए सड़क पर आ गया और बीवी का कोई ख्याल नहीं। योर ऑनर, मोहल्ले वाले घर के अंदर दाखिल हुए पता करने के फौजिया का क्या हाल है। तो फौजिया ऑलमोस्ट बेहोश पड़ी थी, उसको हॉस्पिटल लेकर गए। 1.5 घंटा हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला बेचारी फौजिया जिंदगी की बाजी हार गई। डॉक्टर्स ने उसकी मौत की वजह हेड इंजरी ही करार दिया। सर, उसको अंदरूनी गहरी जर्ब लगी थी और इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग के बायस उसकी डेथ वाकई हो गई। योर ऑनर, बेचारी फौजिया अपने शोहर की सफाकी का निशाना बनी और नेग्लिजेंस का भी। योर ऑनर, इस सफाक आदमी ने अपनी बीवी को ना तो सिर्फ मारा पीटा बल्कि इतनी भी परवाह नहीं की कि उसको हॉस्पिटल भी ले जाए। योर ऑनर, दरिंदगी इस शख्स की फितरत है। सर, ये सुधरने वाला इंसान नहीं है, ये 3 बार अपना घर उजाड़ चुका है। सर, ये सख्त से सख्त सजा का मुस्तहिक है। That's all, Your Honor. Your Honor, वकील इस्तगासा ने मेरे क्लाइंट मिस्टर हामिद के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की है उसमें मुझे शदीद एतराज है। मिस आमना ने
जेब दास्तान के लिए जो मुबालगा आराई की है वो बयान से बाहर है, और इन्होंने मेरे क्लाइंट पर जितने इल्जामात लगाए हैं, जितने बयान दिए इन्होंने, वो सरासर झूठ है, गलत है। सच्चाई क्या है इसके लिए मेरी आपसे दरखास्त है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर हामिद को बयान देने का मौका दिया जाए। इजाजत है जज साहब, अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, बल्कि फौजिया का भाई ताज मोहम्मद है। सर सच्ची बात तो यह है कि ये कोई काम धंधा तो करता नहीं था, नशा करता था, हरामखोरी करता था, चर्च पीता था और सारा दिन घर में पड़ा रहता था। सर शादी से पहले फौजिया एक फैक्ट्री में जॉब करके अपने घर को सपोर्ट किया करती थी, और शादी के बाद भी अपनी माँ जन्नत को वो घर के खर्च के लिए पैसे दिया करती थी। मगर जज साहब मुझे इस बात पर कभी कोई एतराज़ नहीं था कि वो मेरी कमाई से अपनी माँ को घर चलाने के लिए क्यों सपोर्ट करती है। लेकिन सर उसका भाई ताज मोहम्मद उससे नशे के लिए ज़बरदस्ती पैसे मांगा करता था। 8 मार्च को भी मेरी फौजिया से उसके भाई ताज मोहम्मद के बारे में गर्मा गर्मी चल रही थी। मेरे पास हराम का पैसा है जो तू अपने उस मवाली भाई को दे देती है। बोल। मैंने दाद को कोई पैसे नहीं दिए। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ? अबे मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? साहब मुझसे झगड़े के दौरान दीवार पर धक्का फौजिया को ताज मोहम्मद ने दिया था, मैंने नहीं, जिससे उसकी मौत वाकई हो गई थी और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। यह सब कातिल वो है, मैं नहीं हूँ। योर ऑनर ये इंसान ना सिर्फ जालिम है बल्कि झूठा भी है। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है। योर ऑनर पूरा मोहल्ला इस बात की गवाही देगा कि ये आदमी हर दूसरे दिन अपनी बीवी को मारता पीटता था। सर ये कोई वन टाइम इंसिडेंट नहीं है, इस आदमी की हिस्ट्री है। और सर इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं इसकी दूसरी बीवी हुमैरा को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। हुमैरा आप अदालत को बताना चाहेंगी कि आपकी शादी हामिद के साथ कितना अरसा रही और आपकी तलाक किन वजूहात की बिना पर हुई? जज साहब मेरी शादी से 3 साल पहले हुई थी और शादी के 8 मंथ बाद मैंने इससे तलाक ले ली थी। ये बहुत जालिम आदमी है, ये बीवी को तो इंसान समझता ही नहीं था। रोटी पकने में देर हो जाए तो लातों और घूसों से बुरी तरह मारता था। एक बार इसने इतनी बुरी तरह मेरे लाठी मारी थी कि मेरे हाथ की कलाई टूट गई थी। इसे तो मोहल्ले वाले भी बर्दाश्त नहीं करते थे, इसे मोहल्ले वालों ने भी ज़बरदस्ती निकाल दिया था। ये तो मुझे आज पता चला कि इसने दूसरे मोहल्ले में जाके फौजिया से शादी की थी। ये इंसानों के साथ रहने के लायक नहीं है जज साहब। योर ऑनर, मैं मोहतरमा से कुछ सवालात की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मोहतरमा आप ये बताइए कि आपने हामिद साहब से खुला ली थी या हामिद साहब ने आपको तलाक दी थी? मैंने इससे खुद तलाक मांगी थी। तो गोया आपने तलाक का मुतालबा किया और हामिद साहब ने शराफत से तलाक दे दी, यानी आप खुला के लिए कोर्ट कचेरी के चक्कर लगाने से बच गई, परेशानी से निजात मिल गई आपको। जनाबे वाला, यही बात मेरे क्लाइंट की शरीफ नफसी को जाहिर करती है। ये तशद्दुद, जुल्म, मारपीट, ये सारे झूठे इल्जाम हैं। वो तो मेरा मैका मजबूत था और मेरे भाई मेरे पीछे खड़े थे, इसे तो तलाक देना ही पड़ी, वरना आज इसके घर से साजदा और फौजिया की तरह मेरी भी लाश निकलती। योर ऑनर, इस खातून की गवाही की कोई अहमियत नहीं, ये एक तलाक याफ्ता औरत है। इसने अपने एक्स हस्बैंड से मुतालिक तासुबात का इजहार किया है, बदला लेने की कोशिश की है। योर ऑनर, मेरी गवाह कोई तासुब का इजहार नहीं कर रही, ये तो सच्ची गवाही दे रही है, आगे हकीकत बयान कर रही है। सर इस आदमी का गुस्सा और इश्तियाल इस इंतहा का है कि उसने हुमैरा तक की कलाई तोड़ दी, और अगर मेरी क्लाइंट झूठ बोल रही है तो ये प्रूफ करें अदालत में। जनाबे वाला, मैं मुद्दई जन्नत बीबी से जरह की दरखास्त करना चाहता हूँ। इजाजत है। मोहतरमा, मेरे क्लाइंट पर इल्ज़ाम है कि वो एक जालिम, जाबिर, मारपीट करने वाला और पुरतशद्दुद आदमी है,
जब आपको ये मालूम था तो आपने अपनी बेटी उन्हें क्यों दी? हालांकि आप जानती थी कि मिस्टर हामिद पहले से दो शादी कर चुके थे और आपकी बेटी तो कम उम्र थी, तो क्या आप अदालत को अपनी वो मजबूरी बताएंगी जिनकी बिना पर आप 22 साल फौजिया की शादी 40 साल हामिद से करने पर मजबूर हुई? मेरी गुर्बत ही मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी। मेरे शौहर की थोड़ी बहुत पेंशन आती है और मैं कुछ सीना परोना कर लेती हूँ। फौजिया भी शादी से पहले एक फैक्ट्री में मुलाजमत करती थी। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं उसकी शादी अमीर घराने में कर सकती, क्योंकि मैं जहेज नहीं दे सकती थी। जब हामिद का रिश्ता पड़ोस से आया तो मैंने सोचा मेरी बेटी मेरी नज़रों के सामने रहेगी। हामिद ने मुझे ये नहीं बताया था कि ये इसकी तीसरी शादी है, ये तो मुझे आज पता चला है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका बेटा क्या करता है नशे के अलावा? मेरे बेटे को जब कोई काम मिलता है तो वो मुझे कमा कर ला कर देता है। यानी वो मजदूर है? मजदूरी करने वाले तो बड़े गैरतमंद होते हैं मोहतरमा, बड़ी शरीफ नफ्स होते हैं। आपका बेटा नशे के लिए अपनी शादीशुदा बहन से पैसे वसूल करता रहता था और इसी मामले पर वो झगड़ा था। उसी दौरान जब उसकी बहन ने पैसे देने के लिए मना किया और जब उसको मालूम हो गया कि यहां से अब उसको पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसने तैश में आकर अपनी बहन को धक्का दिया और जान से मार दिया। ये झूठ है, मेरा बेटा अपनी बहन को बचाने के लिए गया था, यहाँ मैं उसे बुरी तरह मार रहा था। मेरी भूल जैसी बच्ची की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हामिद है। जज साहब, इसे सख्त से सख्त सजा दे, इसे सजा दे। योर ऑनर, जो सूरत हाल है वो कुछ यूं बनती है कि साले बहनोई का झगड़ा हो रहा था, फौजिया बीच बचाव कराने के लिए दरमियान में आई और उसी धक्कमपेल में उसको चोट लगी। लेकिन किसके धक्के से फौजिया का सर दीवार से जा टकराया और जिसकी चोट से फौजिया की जान गई, ये फैसला कौन करेगा? योर ऑनर, इस तगासा ने फौजिया की मौत का जिम्मेदार मिस्टर हामिद को ठहराया है। हालांकि दर हकीकत फौजिया की मौत का जिम्मेदार उसका चरसी भाई ताज मोहम्मद है। पुलिस ने कई बार ताज मोहम्मद को नशा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। चलो ए, क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं साहब? ये देखे साहब, खाली सिगरेट है साहब, कुछ नहीं कर रहा था साहब, खाली। चल शाबाश शाबाश, गाड़ी में बैठ। चलो बैठो इधर, घूम शाबाश। एक तहकीक बयान करती है कि सन 2013 में ख्वातीन के खिलाफ जराइम की रिपोर्ट होने वाले वाकयात माशरे में मजबूई जराइम का 10% रहे। ख्वातीन के खिलाफ जराइम के 321 वाकयात सूबे सिंध में, 73 वाकयात सूबे पंजाब में, 2 वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में और 48 वाकयात सूबे बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुए। सिंध के मुकाबले में दूसरे सूबों में रिपोर्ट होने वाले कम वाकयात का मतलब ये है कि इन सूबों में औरतों को अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ शिकायत करने के मौके भी मैसर नहीं हैं। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि ताज मोहम्मद जब हामिद साहब से लड़ने के लिए गया तो छुरी साथ लेकर गया। जब उसने हामिद साहब पर छुरी से हमला किया तो उस छुरी का जख्म हामिद साहब के बाजू पर मौजूद है। दूसरी तरफ मेरा क्लाइंट खाली हाथ था और सिर्फ अपना दिफा कर रहा था। फौजिया को इस झगड़े में जितनी चोटें लगी हैं, जितने जख्म आए हैं, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसका चरसी भाई ताज मोहम्मद है। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि चरसी ताज मोहम्मद को शामिल तफ्तीश किया जाए। जय साहब, ये वकील साहब झूठ बोल रहे हैं। हामिद को बचाने के लिए उल्टा मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। आप बैठ जाइए, अदालत में बिना इजाजत नहीं बोल सकते। आपको अपनी सफाई में बोलने का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। तो जनाबे वाला, मैं साथ ही दरख्वास्त करूंगा कि मेरे क्लाइंट हामिद को जमानत पर रिहा किया जाए। योर ऑनर, हामिद को जमानत पर रिहा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, इसकी दूसरी बीवी हुमैरा आके अदालत में गवाही दे चुकी है और ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि माजी में भी ये शख्स वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस का मुर्तकिब रहा है। और सर, इसके मौजूदा मोहल्ले वाले भी तैयार हैं गवाही देने को कि ये आए दिन फौजिया को मारता पीटता था।
योर ऑनर, फौजिया को फेटल इंजरीज इसी शख्स की मारपीट की वजह से हुई। योर ऑनर, अगर इस शख्स को जमानत पर रिहा कर दिया तो ये भाग जाएगा और कल को किसी और की जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये अदालत मुल्जिम हामिद की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए ये हुक्म देती है कि उसको 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। साथ साथ अदालत वकील सफाई की इस दलील से भी मुत्तफिक है कि मरहूमा के भाई ताज मोहम्मद को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। लिहाजा अदालत मुल्जिम ताज मोहम्मद को कमरा अदालत से गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। इसके साथ साथ इस्तगासा को भी इस बात की तंबीह की जाती है कि उस तफ्तीश को मुकम्मल करके नेक्स्ट हियरिंग में अदालत में पेश करें। यह अदालत 7 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 7 डेज। जन्नत, फौजिया का सोचकर तो कलेजा मुंह को आता है। जालिम ने मार दिया, इतनी प्यारी बच्ची थी। मैं, सब नसीब की बात है। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ये ठीक है कि तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, खुद को संभालो। बस ये समझ लो कि फौजिया की इतनी ही जिंदगी थी। सलमा, ये बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ? जन्नत, तुम्हारी खैरियत मालूम करने आई थी। अरे हाँ, मौका तो नहीं है। मैंने नदीम का रिश्ता तय कर दिया। लड़की कनाडा में रहती है, वो लोग शादी के बाद नदीम को कनाडा ले जाएंगे। चलो, अच्छी बात है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, मैं चलती हूँ, वो हंडिया चूल्हे पे रखी है। और देखो जन्नत, तुम हौसला मत हारो, तुम्हारी बहन है ना तुम्हारे साथ, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर उमेर बात कर रहे हैं। जी, मैं आमना कबीर बात कर रही हूँ। जी, वालेकुम सलाम। ऐसा है कि आपकी हेल्प की ज़रूरत है। एक केस के ऊपर अभी काम कर रही हूँ, फौजिया मर्डर केस। एक्चुअली डेड बॉडी की तस्वीरें मुझे हमारे एक जर्नलिस्ट हैं नुमानी, उन्होंने फॉरवर्ड की हैं। तो कुछ मुझे अजीब तस्वीरें देख के परेशानी हो रही है, क्योंकि हेड इंजरी से जिस किस्म के वूंड्स या ज़ख्म हो सकते हैं, इस बच्ची के लिप्स नीले हुए हैं। योर ऑनर, इस केस में एक नई डायमेंशन सामने आई है, उसके लिए मैं आपको कुछ तस्वीर देना चाहूँगी। योर ऑनर, अब तक तो यही सोचा जा रहा था कि फौजिया की डेथ हेड इंजरी की वजह से हुई है, लेकिन ये तस्वीर रिपोर्टर नुमानी ने हॉस्पिटल में उस वक्त खींची थी जब फौजिया की फैमिली फौजिया को हॉस्पिटल लेकर आई थी ट्रीटमेंट के लिए इमरजेंसी वार्ड में। लेकिन योर ऑनर, अगर आप इन तस्वीर का मुशाहिदा करें तो आपको साफ नज़र आएगा कि मौत के बाद फौजिया के होंठ नीले हो चुके हैं सर, जिससे साफ जाहिर है कि फौजिया की मौत जहर खुरानी की वजह से हुई है। ये आप क्या नई कहानी लेकर आ गई मिस आमना? समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या साबित करना चाहती हैं। वकील साहब, बात बहुत सिंपल है, मैं ये साबित करना चाह रही हूँ कि आपका क्लाइंट फौजिया को जहर भी दे रहा था। अगर ऐसी बात थी तो क्या हॉस्पिटल के डॉक्टर पहचान नहीं लेते कि फौजिया जहर खुरानी का शिकार थी? योर ऑनर, फौजिया को जब हॉस्पिटल लेके जाया गया तो वो उस वक्त भी ड्राउजी फील कर रही थी। योर ऑनर, इसी बात की वजाहत के लिए मैं चाहूंगी कि इमरजेंसी वार्ड में जिस डॉक्टर ने फौजिया का मुआयना किया था उनको कचहरे में बुलवाऊं। इजाजत है। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आपने फौजिया की मौत का सबब हेड इंजरी कैसे करार दे दिया? क्या आपको पॉइजनिंग के इलामात नहीं नजर आई थी? देखिए, जब फौजिया मेरे पास इमरजेंसी में आई थी तो वो चक्कर आने की शिकायत कर रही थी और उसे मतली भी हो रही थी। मुझसे कहा गया था कि लड़ाई झगड़े की वजह से इसके सर पे चोट आई है और इत्तेफाक से पॉइजनिंग एंड इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग की अलामत एक जैसी होती हैं। ठीक, लेकिन क्या आपने पेशेंट का सीटी स्कैन कराया था ये चेक करने के लिए कि उसे वाकई में हेड इंजरी हुई है? मैं अपने सीनियर्स डॉक्टर से राय ले ही रहा था कि फौजिया ने दम तोड़ दिया और उसकी वालदा ने पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया था और वो लाश अपने साथ ले गई। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। थैंक्स। योर ऑनर, अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है
कि फौजिया की कब्र कुशाई की जाए और बाकायदा पोस्टमार्टम किया जाए ताकि उसकी मौत की असल वजह मालूम हो सके। जज साहब, मैं अपनी बीवी की लाश की बेहरमती नहीं होने दूंगा। जज साहब, मैं भी अपनी बहन की कब्र कुशाई नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुर्दे को तकलीफ पहुंचाना सरासर गुनाह है। चूंकि इस केस में तुम दोनों नामजद हो, लिहाजा अदालत को तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों खामोश बैठो। इस केस की मुद्दई और मरहुमा की वालदा का इस बारे में क्या मौकफ है? जज साहब, मुझे यकीन है इस खबीस हामिद ने मेरी बेटी को जहर दिया है। मुझे कोई एतराज नहीं, अगर इसको सजा दिलाने के लिए पोस्टमार्टम जरूरी है तो आप बिलाशुबा कीजिए। ये अदालत इस्तगासा की दरख्वास्त कबूल करते हुए कब्र कुशाई पुलिस सर्जन की निगरानी में करवाएगी। इसके साथ साथ अदालत 7 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 337J के तहत अगर कोई शख्स किसी को जहर देकर उसे नुकसान पहुंचाता है तो उसकी सजा अर्श या जमान के साथ 10 साल कैद है। सबसे पहले अदालत को यह बताया जाए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बयान किया गया। योर ऑनर, पॉइजनिंग का शक सही निकला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बयान करती है कि फौजिया को आर्सेनिक दिया गया था। सर, अब सवाल ये पैदा होता था कि फौजिया को जहर किसने दिया और किस चीज में मिलाकर दिया। इन सवालात के जवाब हासिल करने के लिए हमने पुलिस की मदद ली और हामिद के सील्ड हुए घर को खुलवाया। सर, उस दिन जिन बर्तनों में खाना खाया गया था उन बर्तनों को इकट्ठा किया और केमिकल टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भिजवाया। सर, उन बर्तनों में से खीर के एक खाली प्याले में से आर्सेनिक के शवाहिद मिले। सर, ये जानने के लिए कि ये जहरीली खीर फौजिया के घर कैसे आई, क्या उसने खुद बनाई थी या बाजार से मंगवाई, इस सिलसिले में मैंने फौजिया की वालिदा से बातचीत की। आपको कुछ उस दिन का याद हो कि फौजिया के घर क्या पका था या कहीं बाहर से खाना मंगवाया था उसने? फौजिया सब्जी और गोश्त मुझसे ही मंगवाती थी। उस दिन उसने भिंडी मंगवाई थी, कह रही थी भिंडी गोश्त पकाएगी। कुछ मीठा भी पकाया था उसने? नहीं, उसे तो नहीं पता। अगर उसने मीठा बनाया होता तो ज़रूर भिजवाती, क्योंकि ताज को मीठा बहुत पसंद है। अच्छा, अगर उसने खाना घर में पकाया है तो मीठा तो बाहर से नहीं मंगवाया होगा। असल में उसके घर से हमें खीर का एक खाली प्याला मिला था और हमें ये भी पता चला है कि उस खीर में जहर मिला हुआ था। मैंने तो कुछ नहीं भिजवाया था। हाँ, मुझे याद आया, उसे योर ऑनर, सलमा गिरफ्तार हो चुकी है और उसने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। मुलज़िमा सलमा को पेश किया जाए। जी सलमा बीबी, अदालत को बताएं क्या दुश्मनी थी फौजिया से आपकी, क्यों जहर देके मारा उसे? मुझे फौजिया से नफरत थी। फौजिया मेरे नदीम के साथ जोंक की तरह चिमट गई थी। नदीम और फौजिया एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। जन्नत ने मेरे नदीम का रिश्ता ठुकरा दिया कि वो ज़्यादा कमाता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद फौजिया नदीम से मिलती रही। क्यों?
किसके साथ घूम रही हो? आंटी वो, और तुम्हें मैंने मना किया था ना, तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती? आंटी ऐसी बात नहीं है कोई, वो मैं तुम्हारी अम्मी को भी फोन करती हूं। ऐसी बात नहीं है वो, मैं, तुमने बहुत दिमाग खराब करके रखा हुआ। आंटी ऐसी बात नहीं है वो, पता है। हेलो, ये आपके बेटे की हरकतें देख रही हैं आप? मेरी बेटी को घुमा फिरा रहा है, इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है इस लड़के में। फौजिया का रिश्ता जन्नत ने हामिद के साथ तय कर दिया था। जन्नत ने फौजिया को लगाम नहीं दी बल्कि उल्टा मुझसे झगड़ दी थी कि अपने लड़के को काबू में करो। हद तो ये जैसा, फौजिया शादी के बाद भी मेरे नदीम से मिलती रही, जब हामिद घर में नहीं होता था तो फौजिया फोन करके। यार फौजिया तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मगर मुझे तुम पे शदीद गुस्सा है। अपनी अम्मी से बात करने की हिम्मत तो है नहीं तुम में? मुझे तो लगता है तुम्हें वो रिश्ता पसंद आ गया, जाहिर सी बात है। कनाडा जाने का मौका जो मिल रहा है तुम्हें? यार मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, तुम किसी भी तरह से उस आदमी को छोड़ दो। देखो तलाक लेना मेरा काम है, मगर पहले तुम अपनी अम्मी से तो बात करो। अभी तुम्हें ये मेरी बात माननी होगी, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने। वो तो किस्मत से नदीम के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़की कनाडा में रहती थी, लड़की वाले शादी के बाद नदीम को कनाडा ले जाते, मेरे अगलौते बेटे का मुस्तकबिल बन जाता। मगर पता नहीं फौजिया में क्या हीरे झगड़े हुए थे कि मेरा लड़का पावला हो गया था। इन दोनों ने प्लानिंग की थी कि फौजिया हामिद से तलाक ले लेगी और ये कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे। मैंने सोचा था कि नदीम कनाडा चला जाएगा तो उसकी जिंदगी बन जाएगी और मेरा बुढ़ापा भी सुकून में गुजर जाएगा। मेरी खुशियों की राह में फौजिया रुकावट थी, इसे हटाना बहुत ज़रूरी था। अगर फौजिया नहीं मरती तो नदीम इस लड़की के साथ कहीं भाग जाता, खुद तो दर बदर होता, मैं भी कहीं की नहीं रहती। यही सोचकर मैंने मोहल्ले में खीर बांटी और मेरे बीर बाबा ने जो मुझे एक सफूत दिया था वो मैंने फौजिया को जो खीर दी उसमें मिला दिया। बेटी खाला। फौजिया मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आई हूँ। ये खीर किस खुशी में खाला? खुशी में नहीं, नदीम के अब्बा की बरसी थी, खा के देखो खूब पिस्ते बादाम डाले मैंने। हाँ हाँ ये तो मैं ही खाऊंगी, वैसे भी इनको शुगर है, ये तो मीठा चखते भी नहीं है। तो खाओ ना, अरे जल्दी खाओ, रख दोगी तो वो मजा नहीं रहेगा। खाला मैं तो खा रही हूँ, आप भी खाओ। मैं तो बड़ी प्याली खा के आई हूँ और जो बच गई थी ना वो नदीम के लिए रख दिए। तुम खाओ ना, मुझे खुशी होगी तुम मेरे सामने पूरी खत्म कर लोगी, और ले लो ना। नहीं खाला वैसे भी मीठा जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बस एक ही काफी है। अच्छा तुम पूरी खा लो ये मेरे सामने, मैं फिर मोहल्ले में जाके बांटूंगी। उसी रात ताज और हामिद का झगड़ा हो गया, फौजिया के सर पे चोट लग गई, वो अस्पताल में जाके मर गई। मैं समझी कि मेरी गैब से मदद हो गई, जैसा मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं गुमराह हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि ऊपर वाला सब कुछ जानता है, वो सब देखता है, वो दुनिया में भी गलत काम की सजा देता है। मुझसे बहुत भूल हो गई डॉक्टर साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती। योर ऑनर इनसे भूल नहीं हुई, इन्होंने बकायदा प्लानिंग से फौजिया को कत्ल किया है। योर ऑनर फौजिया के कत्ल की जिम्मेदार ये तो हैं ही, लेकिन इस कत्ल में बाकी जो किरदार मुलव्वस थे, जो उसकी मौत का बायस बने, सर उनको भी इस मुकदमे से खारिज नहीं करना चाहिए। वो पीर बाबा जिनसे ये सफूफ लेकर आई, जिसने जानते बूझते इनके हाथ में जहर थमाया कि किसी की मौत का बायस बन सके, और इसके अलावा सर हम हामिद को भी इस जुर्म से बरी उज़्ज़मा करार नहीं दे सकते।
क्योंकि सर उस दिन ना सिर्फ उसने अपनी बीवी को दूसरे दिनों की तरह मारा पीटा, बल्कि अपनी बीवी की कंडीशन को भी नजरअंदाज किया। अगर हामिद अपनी बीवी की बिगड़ती हुई हालत को देखता और उसे खुद हॉस्पिटल ले जाता, अगर उसे बर वक्त ट्रीटमेंट मिल सकती, तो हो सकता है सर कि फौजिया आज जिंदा होती। थैंक यू योर ऑनर। वकला की बहस, गवाहों के बयानात और मुलजिमा के इतराफी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम सलमा ने फौजिया को पीर के कहने पर खीर में जहर मिलाकर दिया, जिसकी वजह से फौजिया की मौत वाकई हो गई। लिहाजा ये अदालत सेक्शन 337 जे और दफा 302 के तहत मुलजिमा सलमा को 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा का हुक्म सुनाती है और मुलजिम हामिद को अपनी बीवियों पर तशद्दुद करने के जुर्म में 1 साल कैद व मुशक्कत की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। अदालत पीर बाबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का हुक्म भी देती है। मुलजिम ताज मोहम्मद को इस केस से बरी किया जाता है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया सन 2012 में फैसलाबाद में पेश आया था, जब एक औरत को तशद्दुद करके कत्ल करने के इल्ज़ाम में उस औरत का शौहर और भाई माखूज हुए थे। मगर बाद अज़ां पुलिस की तफ्तीश में ये राज खुला कि औरत की मौत का असल सबब तशद्दुद नहीं बल्कि जहरख्वानी था। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।